माता दी, आरआई स्पोर्टिंग क्लब लगभग 75 साल से इस दुर्गा उत्सव का आयोजन करते आ रहा है। हम आशा करते इस वर्ष भी लोगों का प्यार और स्नेह रांची वासियों का हमें मिलता रहे। हम गुजारिश करेंगे लोगों से, आप आएँ और हमारे इस काल्पनिक मंदिर का आप आकर माँ का आशीर्वाद लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। क्लब नामकुम रेलवे स्टेशन रांची के प्रांगण में इस बार कोटिलिंगेश्वर मंदिर का प्रारूप बनाया जा रहा है, जो आप लोग आएँ परिवार के साथ देखें। और इस बार पूरे भारत में एक अनोखा आपको यहाँ पर माँ की प्रतिमा दिखेगी, जो हर एक प्रतिमा की 25 सर है। और ये 4 दिन का भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, जो भंडारा का प्रसाद ग्रहण करें और पुण्य के भागी बने और हमारे पंडाल में अवश्य आए। जय माता दी। गाजा में अस्पताल पर इजराइल के हमले में लगभग 500 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी संगठन हमास की ओर से तस्वीरें जारी कर रोगियों के मरने का आरोप लगाया गया है। हमास और इजराइल के युद्ध में अब तक लगभग 5000 लोगों की मौत हो गई है। 17 अक्टूबर को गाजा सिटी के एक अस्पताल में अचानक हुए हमले ने अस्पताल की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। IDF ने इस हवाई हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें अस्पताल के आसपास की हैं। अस्पताल में मौजूद लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि अगला पल उनके जिंदगी का आखिरी पल हो जाएगा। इस भयानक हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। आंकड़ों के मुताबिक गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में 500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। अब इजरायली और फिलिस्तीनी अधिकारी इस घातक अस्पताल हमले के लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। हालांकि इजरायल ने इस घटना के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि यह इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन की करतूत है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने असफल रॉकेट लॉन्च के लिए इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया। कई स्रोतों से हमारे हाथ लगी खुफिया जानकारी से ये संकेत मिलता है कि गाजा के अस्पताल से हुए असफल रॉकेट लॉन्च के जरिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। मैं गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में हुए विस्फोट और उसके परिणाम स्वरूप हुई जानमाल की भयानक क्षति से स्तब्ध और दुखी हूँ। यह खबर सुनते ही मैंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इस बारे में जानकारी एकत्र करने का निर्देश दिया कि वास्तव में क्या हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा है और हम इस त्रासदी में मारे गए या घायल हुए मरीजों, चिकित्सा अधिकारियों और अन्य निर्दोष लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं। इजराइल द्वारा जवाबी कार्रवाई में हमास के खिलाफ बमबारी अभियान शुरू करने के बाद से यह विस्फोट गाजा में सबसे भयावह घटना। मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।